हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू बीएचयू चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2018 के एमएड का बीएचयू का एंट्रेंस पेपर। तो वो समय ना ख़राब करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन पेपर में 120 कुल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे, जिसका पूर्णांक 360 होगा और हमारे पास समय जो होगा वो 2 घंटे होंगे। इसमें 2 खंड में विभाजित होगा ये पेपर, और प्रथम खंड में 104 क्वेश्चन बहुविकल्पी का रहेंगे और दूसरे में 16 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसमें से आप हिंदी या अंग्रेजी एक ही भाषा का चयन करेंगे और उसमें से 16 क्वेश्चनों का आंसर देंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन पे 3 नंबर और एक गलत होने पर 1 नंबर सही आंसर में से काट लिए जाएंगे, अर्थात इसमें नकारात्मक आपकी मार्किंग है। इसलिए आप जो क्वेश्चन आपको ज्ञात हो उसी का आंसर दे, अन्यथा उस पर मतलब टुक्का लगाने का प्रयास ना करें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। खंड पहला का पहला क्वेश्चन है, किसी भी स्तर पर एक औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका आंसर है 100। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए सही है। अधिगम तुलनात्मक रूप से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अधिगम है। तीसरा, व्यवहार में परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन अधिगम है। चौथा, एक व्यक्ति केवल शिक्षण से ही सीखता है, परंतु हम लोग जानते हैं कि अधिगम के द्वारा जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, जो परमानेंट रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, वही लर्निंग है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्रियात्मक अनुसंधान में पुनर्बलम की भूमिका होती है। अत्यधिक सार्थक है, दूसरा असार्थक है, तीसरा कम सार्थक है, चौथा अज्ञात। इसका आंसर हो गया पहला, अत्यधिक सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रतिक्रिया पहला उद्दीप्त होती है, उत्सर्जित होती है, चयनित होती है, पूर्व निर्धारित होती है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, इमिटिएट यानी उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम से कौन संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा रॉजर्स, सॉरी, इसमें जो है अधिगम से संबंधित नहीं है। तो इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें पॉलर भी संबंधित है, टॉलमैन भी, कुथरी भी, इन लोगों ने सभी ने लर्निंग की थ्योरी दी है, जबकि रोजर्स जो है ये पर्सनालिटी से संबंधित है। तो इसलिए इसका आंसर होगा रोजर्स। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पांचवा हो गया, छठा है, ये MMPI का उपयोग किसमें किया जाता है। तो पहला है व्यक्ति के बुद्धि के आकलन के लिए, व्यक्ति के सृजनात्मकता के आकलन के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के आकलन के लिए, व्यक्ति के अभिवृत्ति के आकलन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व आकलन के लिए। जो MMP है इसमें P जो है ये पर्सनालिटी इन्वेंट्री को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसी बच्चे में किसी वस्तु के प्रति भय प्रवृत्त किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टॉलमन जो एक खरगोश और बच्चे वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो इस पे आधारित है कि उसमें छोटे वाले बच्चे को खरगोश से डराना सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी बच्चा खरगोश को पकड़ने चाहता है उसी समय बम तोड़ देते हैं जिससे बच्चा डर के भाग जाता है। ऐसा ऐसा करते करते बच्चा जब भी किसी भी रोएदार या खरगोश को देखता है तो वो डर के पहले ही रोने लगता है। तो इस प्रकार से किसी बच्चे में किसी वस्तु के प्रति भय प्रवृत्त करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है विधि, वो होती है अनुबंधन या कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कि पावलोव के सिद्धांत में भोजन को अनानुबंधित प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, अनुबंधित उद्दीपक के रूप में जाना जाता है, अनुबंधित प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, या अनानुबंधित उद्दीपक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वह चौथा,
अनकंडीशनल स्टिमुलस या अनानुबंधित स्टिमुलस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इरेशनल फियर इज कॉल्ड एज अतार्किक भय कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोबिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें किसी तर्क बिना तर्क के ये लोग डरते हैं, जैसे किसी में व्यक्ति में जल के यानी वाटर के प्रति यदि फोबिया है तो वो वाटर को देख करके डरता है, या किसी को ऊंचाई के प्रति फोबिया होता है, किसी को आग से होता है, किसी को बंद कमरे से होता है, तो ये विभिन्न किसी को भीड़ से होता है, ये विभिन्न प्रकार के फोबिया होती हैं जो कि जिसे अतार्किक भय भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट मैथड ऑफ साइकोलॉजी इज मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका अंतर्दर्शन विधि, इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं। ये सबसे पुरानी मेथड सबसे पुरानी विधि है मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी अनुदैर्ध्य विधि सर्वाधिक उपयुक्त है छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए, छात्रों के वार्षिक परीक्षा में उपलब्धि के अध्ययन के लिए, एक छात्र की शैक्षिक समस्या के अध्ययन के लिए, वर्तमान विद्यालय समस्या के अध्ययन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास के अध्ययन के लिए। इसमें हम लोग जैसे जानते हैं कि जो पियाजे की थ्योरी है उसमें वो अपने बच्चों की मानसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जानने के लिए अपने बच्चों पे ही लंबे समय तक उनका अध्ययन किया। जैसे जानते हैं कि उसमें पियाजे ने अपने 3 बच्चों को छोटे से बढ़ते हुए पूरा उन लोग का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी। ये लॉन्गिट्यूडनल विधि का तात्पर्य ये होता है, इसमें होता क्या है कि एक ही प्रयोज्य पर जो प्रयोज्य होता है वो एक ही प्रयोज्य पर काफ़ी लंबे टाइम तक, इसमें प्रयोज्य को न बदल कर काफ़ी लंबे टाइम तक उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा पहला छात्रों की बौद्धिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन जब एक बालक किसी नई घटना का सामना करता है तो वह अपनी वर्तमान सोच में परिवर्तन करता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। यह पियाजे की थ्योरी से संबंधित है। इसमें जब बच्चा इसका जो आंसर होगा वो अनुकूलन या एकोमोडेशन होगा। अगला क्वेश्चन द पार्ट ऑफ माइंड विच वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल इज कॉल्ड, मन का वह भाग जो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये भी पियाजे की थ्योरी का ही आंसर क्वेश्चन है। ये अहम इसमें जो आंसर होगा वो होगा अहम। अगला ट्विंस हु इज द जेंटिकली आइडेंटिकल आर कॉल्ड एज जुड़वा जो कि अनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोजाइगोटिक जुड़वा या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगला क्वेश्चन नंबर 15 मानव विकास की 8 अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था, तो ये इसका आंसर होगा एरिक्सन ने मानव विकास की 8 अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 मानसिक मंदता का संबंध है मानसिक बीमारी से, बौद्धिक न्यूनता से, मानसिक असामान्यता से, सांवेदिक गड़बड़ी से। तो जैसा ये मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन से तात्पर्य जो होता है वो बौद्धिक न्यूनता से होता है इसमें, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये आनुवांशिक रूप से होता है, तो इसमें मानसिक जो बुद्धि लब्धि होती है वो अत्यंत कम होती है। अगला क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज्म इज सुरक्षा प्रणाली है सुरक्षित जीवन के लिए अचेतन शारीरिक प्रणाली
और दूसरा अग्रह है सशक्त अरुचिपूर्ण उद्दीपक से उत्पन्न हुए मानसिक तनाव और चिंता को कम करने वाली अचेतन मानसिक प्रणाली, शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाली एक अचेतन मान शारीरिक प्रणाली। चौथा सुरक्षित भविष्य की योजना बनाने वाली एक अचेतन मानसिक प्रणाली। तो इसका उत्तर जो है वो होगा दूसरा अग्राह्य सशक्त अरुचिपूर्ण उद्दीपक से उत्पन्न हुए मानसिक तनाव और चिंता को कम करने वाली अचेतन मानसिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशेषक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इतना प्रभुत्व रखता है कि व्यक्ति सभी कार्य उसी से प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इतना प्रभुत्व रखता है कि व्यक्ति के सभी कार्य उसी पर प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा आधारभूत विशेषक या कार्डिनल ट्रेट। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि किसने सामान्य व्यक्तित्व के 16 कारकों को प्रतिपादित किया था, उस पर आधारित प्रश्नावली बनाई थी? तो इसका सही आंसर है कैटल। कैटल ने ये 16 P या 16 पर्सनालिटी नामक एक क्वेश्चनार भी बनाया था। तो ये किसने बनाया, इसका आंसर होगा रेमंड कैटल। अगला क्वेश्चन, अगर कोई परामर्शदाता किसी व्यक्ति के विचार, विश्वास तथा इनका उस व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करता है तो यह कहलाएगा? इसका आंसर होगा मनोविश्लेषक उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम, विशेषक उपागम। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक उपागम या कॉग्निटिव अप्रोच। अगला क्वेश्चन, थ्री डायमेंशन मॉडल ऑफ इंटेलिजेंट वाज डेवलप्ड बाय, बुद्धि के त्रिआयामी प्रतिरूप को विकसित किया था? तो इसका आंसर है जेपी गिलफर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, वलास ने सृजनात्मकता के चार स्तर, उद्भवन, तैयारी, सत्यापन, प्रबोधन दिए। तो वलास के द्वारा दिए गए उचित क्रम को रखे। तो इसका जो उचित क्रम है वो है तीसरा, तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन या सत्यापन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, इक्यूबेशन, इल्यूशन एंड वेरिफिकेशन इसका थर्ड आंसर होगा। अगला, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार सरकारी स्कूलों का जेंडर तुल्यता सूचनांक निजी स्कूलों की तुलना से बेहतर है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा सरकारी स्कूलों में ज़्यादा लड़कियां। इसमें क्या बोल रहा है कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार सरकारी स्कूलों के जेंडर की तुल्यता सूचकांक निजी स्कूलों की तुल्यता से बेहतर है, अर्थात जो सूचकांक है उसमें सरकारी स्कूल में ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर है 16.68%। ब्रिटिश काल में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना क्यों की गई थी? तो नॉर्मल स्कूल की स्थापना जो है
शिक्षण प्रशिक्षण के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। दूसरा, नागरिक और राजनीतिक अधिकार पहली पीढ़ी के मानव अधिकार है। तीसरा, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार पर पहली पीढ़ी के मानव अधिकार है। चौथा, मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, नागरिक और राजनीतिक अधिकार पहली पीढ़ी के मानव अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने सर्वप्रथम लिंग आधारित पाठ्यक्रम को विचार को अस्वीकृत किया था? तो इसका आंसर उत्तर है हंसा मेहता कमेटी। इन्होंने सर्वप्रथम जो है लिंग आधारित पाठ्यक्रम के विचार को अस्वीकृत किया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिकता का मूल विचार किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है रैशनल सेल्फ या तार्किक स्व पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अनुशासन और दंड दो अलग अवधारणाएं हैं। सकारात्मक अनुशासन दंड की वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार कानून में कठोर शारीरिक दंड की मनाही है। अनुशासन एक मूल्य है, अतः पारस्परिक होता है। तो इसका उत्तर है सकारात्मक अनुशासन उपागम दंड की वकालत करता है। अगला क्वेश्चन, कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा किसने दी? तो कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा कोठारी कमीशन ने दी थी। अगला क्वेश्चन, इसका हम लोगों ने देख लिया कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा कोठारी कमीशन ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को आर्थिक निर्धारक के सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। इनके सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को आर्थिक निर्धारक सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं हेतु अधिकार की मुख्य मांग थी, महिलाओं हेतु मताधिकार की किसकी मुख्य मांग थी? तो ये उदारवादी नारीवादियों का मुख्य मांग था। इसे लिबरल फेमिनिज जिसे लिबरल फेमिनिज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखी है? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक बुक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद को संदेह की नज़र से देखता है? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ये राष्ट्रवाद को संदेह की नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये वसुधैव ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए इन्हें राष्ट्रवाद जो है संदेह के रूप में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के मानव अधिकारों के वैचारिक समर्थन दिया था? तो इसका आंसर है पूंजीवादी देशों ने, इन्होंने पहली पीढ़ी के मानव अधिकारों को वैचारिक समर्थन दिया था।
अगला क्वेश्चन, सुरक्षित पर्यावरण में जीने के अधिकार को, सुरक्षित पर्यावरण में जीने के अधिकार को भी मानव अधिकार की मान्यता दी गई, यह किसके अंतर्गत हुआ था? ये मानव अधिकार के तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथनोसेंट्रिज्म। इसमें अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 38वां, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका है, सही आंसर होगा, भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से बदलती है। जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि इसमें जो कल्चरल लैग है उसमें हमारे जो फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल जो मान्यता है, फिजिकल चीज़ें जैसे कि घर, मकान, गाड़ी या फिर ये सब चीज़ें तो बदल रही हैं, लेकिन हमारी जो कल्चर है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए इसके बीच में गैप हो जा रहा है, तो इसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। इसमें भौतिक संस्कृति बहुत तेजी से बदलती है, लेकिन अभौतिक संस्कृति बहुत धीमे धीमे बदलती है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो विक्रमशिला को विश्वविद्यालय को नष्ट जो किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कि सेनापति था उसने किया था, बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शिक्षा का क्या उद्देश्य था? तो इसमें मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जैसे हम लोग जानते हैं कि उसमें मुख्य शिक्षा का उद्देश्य इस्लाम का प्रसार प्रसार करना था। अगला क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में मक्तब थे, मक्तब का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हेतु मकतब का प्रयोग किया जाता है, जबकि मदरसों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब मदरसा का प्रयोग करते हैं तो वो उच्च शिक्षण संस्थान के लिए किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती है और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मौलाना मोहम्मद अली ने जामिया मिलिया की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की थी? तो इसका जो जामिया मिलिया की स्थापना जो हुई थी लखनऊ अलीगढ़ में हुई थी, बाद में ये दूसरे जगह पे गई थी, इस लेकिन स्थापना जो हुई थी वो अलीगढ़ में हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा, शिक्षा की वर्धा योजना दी गई, इसे बेसिक शिक्षा मतलब बेसिक जो शिक्षा योजना थी भी बोलते हैं, ये गांधी जी ने दी थी, जो कि मुख्यतः क्राफ्ट पे आधारित होती है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में शिक्षा थी, ये जो अभी जाति वर्ग हैं उन्हीं को ये शिक्षा की देने की बात कही थी, लॉर्ड मैकाले का जो छनाई का सिद्धांत है इसी पे बेस्ड है। इसमें कहा जाता है कि अभी जाति वर्ग है मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं उन लोग को शिक्षा दे दी जाएगी, तो शिक्षा छन छन के नीचे जो तबके के लोग हैं उस तक पहुंच जाएगी। किसने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी समस्त भारतीय एवं अरबी साहित्य से श्रेष्ठ है? तो ये जो कथन था वो लॉर्ड मैकाले का था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, जोनाथन डंकन द्वारा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा या लॉर्ड बेनेडिंग द्वारा? तो इसके आंसर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग है, और ये सबसे ये 18वीं सदी मतलब ये सबसे पहले की स्थापित
हुई यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन 47, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो हुई है वो गवर्नर एलफिंस्टन के द्वारा हुई है। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो एलफिंस्टन की थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन 48, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम अपव्यय एवं अवरोधन को परिभाषित किया? तो इसका आंसर है हर्टांग समिति ने सबसे पहले अपव्यय एवं अवरोधन की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार किसी विद्यालयों में कक्षा कक्षों की संख्या निम्नतम होनी चाहिए? तो दूसरा दो कम से कम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार जो हमारे विद्यालय के जो कक्ष हैं मतलब क्लासरूम है, कम से कम दो जरूर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय रमसा की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है? 11वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, एसएससी का प्रचार स्लोगन क्या है? तो एसएससी का प्रचार स्लोगन है, जैसे कि आप लोगों ने पेंसिल, एक पेंसिल बनी होती है एसएससी का, जब आप वो देखेंगे तो पेंसिल पे दो बच्चे बैठे रहते हैं, एक पेंसिल रहता है तो उस पे दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की बैठे रहते हैं और उसके नीचे लिखा रहता है सब पढ़े सब बड़े, ये इसका स्लोगन है। एसएससी मतलब सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रूसा रूसा का मतलब, रूसा का पूरा नाम क्या है? तो रूसा का पूरा नाम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा तकनीक का सबसे उपयुक्त वर्णन होगा? पहला, अधिगम परिणामों को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने एवं इष्टतम बनाने हेतु विभिन्न प्रविधियों का समुच्चय ही शैक्षिक तकनीकी है। दूसरा, किसी विद्यालय में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने हेतु हार्डवेयर का अनुप्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। तीसरा, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की दृष्टि से सॉफ्टवेयर का कुशल अनुप्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। चौथा, किसी कक्षा के संदर्भ में बहु माध्यमों का प्रभावी अनुप्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। तो इसका सही उत्तर है पहला, अधिकम परिणामों को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने एवं इष्टतम बनाने हेतु विभिन्न प्रविधियों का समुच्चय ही शैक्षिक तकनीकी है। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी को एक साथ प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यह पता लगाइए कि कौन सा शिक्षण प्रतिमान किस परिवार का है और सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है, सबसे इसका आंसर जो होगा, ये आगमन जो प्र आगमन प्रशिक्षण प्रतिमान है वो सूचना, जो आगमन शैक्षिक प्रतिमान है उसका संबंध होता है सूचना संसाधन प्रतिमान परिवार से, और न्यायशास्त्री का हो है सामाजिक अंतःक्रिया परिवार प्रतिमान से।
तीसरा शिक्षण का साइनेटिक्स प्रतिमान जो है वो है वैयक्तिक प्रतिमान परिवार से। चौथा है दबाव न्यूनीकरण प्रतिमान, इसका संबंध है व्यवहारिक प्रतिमान व्यवहार परिवार से। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में व्यवहार का परिवर्तन निम्न में से किसे आधार देता है? अनुबंधन, पहला अनुबंधन, दूसरा अनुदेशन, तीसरा प्रशिक्षण। तो इसका जो उत्तर होगा ये पहला और दूसरा दोनों होगा कि शिक्षण में व्यवहार का परिवर्तन निम्न में से किसको आधार देता है, ये अनुबंधन भी हो और उसमें अनुदेशन यानी इंट्रक्शन भी हो और कंडीशनिंग भी हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री दृश्य श्रव्य शिक्षा सामग्री है? पहला शैक्षिक भ्रमण एवं प्रदर्शनी वस्तुएं, दूसरा स्लाइडे फिल्म पट्टियां एवं प्रोजेक्टर, तीसरा चित्र विस्तारक यंत्र या फ्लैनल कार्ड, चौथा मॉडल्स या मानचित्र। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा कि दृश्य और श्रव्य शिक्षण सामग्री है वो है स्लाइडे फिल्म और प्रोजेक्टर यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो इसमें से ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, छपी हुई सामग्री, ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें से ये तीनों ऑडियो कैसेट, ट्रांसपेरेंसी, छपी हुई सामग्री ये सभी सहायक सामग्री हैं, लेकिन ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है ये एक मशीन है जो कि सहायक सामग्री नहीं है। मतलब ये मदद तो करता है लेकिन ये खुद सहायक सामग्री नहीं है, ओ एच पी कोई सहायक सामग्री नहीं है। ये मतलब ये सिर्फ मशीन है जो हेल्प तो करती है, लेकिन प्रोजेक्टर और ये ट्रांसपेरेंसी, ऑडियो कैसेट ये सब हमारी सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगी। अगला 59 का है, समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि पद्धति में से निम्न में से कौन सा पहला कदम है? तो इसका सबसे पहला क्या होता है, पहला जो आंसर होगा इसका प्रॉब्लम अवेयरनेस, मतलब प्रॉब्लम के संबंध में जागरूकता ही सबसे पहला कदम होता है किसी भी समस्या को हल करने के लिए, कि पहले ये तो जाने कि समस्या क्या है, तो उसको जानने के बाद इसका हल निकाल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीक्षात्मक सीखने का क्रिटिकल कक्षा कक्ष में ध्यान रखता है? तो इसका आंसर होगा विभिन्नता या डाइवर्जन। क्रिटिकली पेडागॉजी टेक केयर ऑफ द इन द क्लासरूम डाइवर्जन।